आज मैं आपके लिए आया हूँ तेरा करंट अफेयर्स। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक तथा इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपके लिए लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहूंगा। यह वीडियो सभी बच्चों की परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तथा फ्रेंड, मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हाल ही में रुधिर टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अफगानिस्तान। रुधिर टंडन को अफगानिस्तान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय इस्पात प्राधिकरण। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1954 को। इसके अध्यक्ष है एस के रुकंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य के प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। आईआईटी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसके सभापति हैं डॉक्टर विजय भाटकर। मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मॉरिटानिया। मोहम्मद ओल्ड बिलाल मॉरिटानिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मॉरिटानिया देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है नोआक शॉट। करेंसी है मॉरिटानिया ओगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम। पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया है। POS इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट। इस ऐप के बारे में महत्वपूर्ण देख लीजिए जानकारी डिवाइस के बारे में। इसे GST बिल जनरेट करने और तभी लेन देन का उसका निपटारा तथा प्रबंधन करने के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। यह बिलिंग, भुगतान और ग्राहक प्रबंधन के लिए क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर सहित कई उद्योग प्रथम सुविधाओं और सेवाएं प्रदान करने का दावा करता है। पेटीएम के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसके संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। इसका मुख्यालय नोएडा में उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। लेबनान देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण धमाके के बाद जनता के आक्रोश का सामना कर रही सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर जो है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है।
गुजरात राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, इसकी राजभाषा गुजराती, इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके राजपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी भाजपा से। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 26 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीरेंद्र पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन में, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केन्या। बीरेंद्र पॉल को केन्या देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। केन्या देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है नरोबी, सबसे बड़ा शहर भी नरोबी है। इसकी राजभाषा अंग्रेजी और स्वाहिली है। इसके राष्ट्रपति है उहुरु किनियाता, प्रधानमंत्री है रायला ओडिंगा। यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता इसकी दिनांक 12 दिसंबर 1963 को, और गणराज्य घोषित हुआ था 12 दिसंबर 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है रायपुर, सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है। इसकी राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी, गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। इसके राज्यपाल है अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की सीटें 5 और लोकसभा की सीटें 11 हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई, और पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मचारियों के लिए स्पंदन अभियान भी छत्तीसगढ़ में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। फ्रेंड्स, अगस्त महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को मैत्री दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही पुस्तकाध्यक्ष दिन मनाया जाता है। 13 अगस्त को बाएं हाथ के बल्लेबाज दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को संस्कृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत में। 15 अगस्त को बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को पांडेचेरी विलय दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 18 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। 24 अगस्त को कोलकाता के जन्मदिन का दिवस मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 27 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती मनाई जाती है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में एलेक्जेंडर लुकाशुको किस देश के छठी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा।
वीडियो को पूरा अंत देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह सोशल नेटवर्क साइटों पर सभी जगह शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी लोगों की हेल्प हो पाए। शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड।